बात है, आप बहन जी इधर आ जाओ, बहन इधर आ जाओ, बहन इधर आ जाओ, भाई इधर आ जाए, हम संजीव बंसल सिग्नस हॉस्पिटल और सिग्नस मेडिकेयर, मैं डॉक्टर परवेज मेडिकल डायरेक्टर और मेरी पूरी डॉक्टर्स की टीम और सारे स्टाफ की तरफ से ब्रह्म कुमारी आश्रम से आए हुए सारे लोगों का वेलकम करता हूँ। और हमारे यहाँ आए हुए सिस्टर किरण उनका वेलकम करता हूँ, सिस्टर प्रेम उनका वेलकम करता हूँ, और सती चोपड़ा जी जो हमारे यहाँ के सत्य केसरी के उनका वेलकम करता हूँ। सत्य केसरी का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा है इसमें, इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने में। हमें काफ़ी खुशी हुई कि इतने सारे लोग हमारे यहाँ आए और हमारे हॉस्पिटल में ये कैंप सक्सेसफुल किया। हमारे हॉस्पिटल में आपको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो आप लोगों को कहीं बाहर जाके मिल जाती थी। यहाँ जब लोग बीमार हो जाते हैं, यहाँ एडमिट हो जाते हैं, क्रिटिकल कंडीशन में उनको शिफ्ट किया जाता है। हमारे हॉस्पिटल की सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हॉस्पिटल में एक ही छत के नीचे सारी स्पेशलिटीज़ की फैसिलिटी, जैसे सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, गायनेकोलॉजी, क्रिटिकल केयर, ये सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे मिलती है। हम किसी और हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें भागना पड़ता है, यहाँ पे ये चीज़ उपलब्ध है, ये वाली नहीं है, यहाँ पे ये वाली फैसिलिटी है और ये नहीं है। पर हमारे हॉस्पिटल में एक बार पेशेंट एंटर हो गया
तो उसको शिफ्ट करने या रेफर करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो सिग्नल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं जो दिल्ली से लेके पूरे हरियाणा में फैला हुआ है, हमारे दिल्ली में काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं, पानीपत में है, सोनीपत में है, कुरुक्षेत्र में है, और आने वाले टाइम में पूरे हरियाणा में हमारे चेन ऑफ हॉस्पिटल्स फैल जाएंगे। और हमारा लक्ष्य यही है कि जिस जगह पे दिल्ली जैसी सुविधाएं नहीं हैं, टर्शियरी केयर जिसको हम बोलते हैं, जिस चीज़ के लिए हम रेफर हो जाते हैं, वो सुविधाएं उस जगह पे पहुंचा दें। जैसे हमने पानीपत में शुरू किया था, वहाँ पे पूरी फैसिलिटीज मिल रही है, सोनीपत में किया था वहाँ मिल रही है, कुरुक्षेत्र में किया है, और यहाँ करनाल के लोगों के लिए हमने संजीव बंसल सिग्नल हॉस्पिटल खोला है, जहाँ पे आपको पूरी पूरी वो फैसिलिटीज मिलेंगी जो आपको दिल्ली जाके, चंडीगढ़ जाके या रोहतक जाके मिलती थी। और इस संस्था के साथ जुड़ने के बाद हमने डिसाइड किया है कि जितने भी लोग इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जो इसके वर्किंग लोग हैं, वर्किंग कमेटी है, उनके लिए हम फ्री ओपीडी करेंगे। जब भी वो हमारे हॉस्पिटल में आएंगे, उनके लिए ओपीडी फ्री रहेगी। और जितने भी संस्था के वर्किंग लोग हैं हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो उनके लिए 20% डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट हम टोटल बिल पे दे देंगे। अब मैं सिस्टर किरण से ओम शांति सभी बोलेंगे एक बार, ओम शांति। आज हम इस संजीव बंसल दिग्नाथ हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं, तो सभी को जिन्होंने हॉस्पिटल बनवाई, जो इसको चलाने वाले हैं, सभी को बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। ज़ोरदार तालियां बजाएंगे एक बार सभी, क्योंकि आज विश्व में बहुत सारी, सभी को शारीरिक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, और सभी कोई ना कोई बीमारी से परेशान हैं, तो सभी को हॉस्पिटल की ज़रूरत है, और इसमें जो सभी सुविधाएं दी जा रही हैं, तो इसलिए जो बाहर जाने की ज़रूरत होती थी वो नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही जैसे ये जिस्मानी हॉस्पिटल इसको कहेंगे कि इसमें शरीर की बीमारियों का इलाज होता है, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो आज पूरे विश्व के कोने कोने में छाया है, सन 1937 से 77 वर्षों से ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय वो रूहानी हॉस्पिटल है, और वहाँ मन की बीमारियों का इलाज होता है, क्योंकि तन के साथ साथ मन को स्वस्थ रखना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे एक अच्छे सफ़र के लिए गाड़ी और ड्राइवर दोनों ही ठीक चाहिए, तो इसी तरह से इस शरीर गाड़ी है और आत्मा इसकी ड्राइवर है, और मन आत्मा में ही है, बुद्धि भी आत्मा में है, संस्कार भी आत्मा में है, इसलिए तन और मन दोनों का स्वस्थ रखना जरूरी है। मन का स्वस्थ होना अर्थात मन हमारा पॉजिटिव विचार